3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची के परिजनों को लगभग 4 महीने बाद न्याय मिला। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी चौक के अंतर्गत कुछ माह पहले मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी को 7 साल का श्रम कारावास और 2000 के अर्थदंड के साथ दंडित किया। इन दरिंदों ने गत 17 जुलाई को 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसको माचागोरा डैम में फेंक दिया था। इस मामले को लेकर पूरे जिले में भारी आक्रोश व्याप्त था। पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और तत्कालीन अमरवाड़ा थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और सिंगोड़ी चौक प्रभारी अभिषेक कपियासी के नेतृत्व में 10 दिन में पूरे मामले की विवेचना की गई, तो वहीं 1 महीने 19 दिन के साक्ष्य पूर्ण कराकर मात्र 116 दिनों में न्यायालय का फैसला सुनाया गया है। जुलाई 2020 में अभी नेर जमुनिया है, जिसमें चौकी सिंगोड़ी लगती है, थाना अमरवाड़ा है, वहाँ पर एक 3 वर्षीय बालिका जो है शाम को लगभग 6 बजे गुम हो गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 363 का। बाद में 2-3 दिन बाद जब पता चला कि उस बालिका के साथ एक व्यक्ति ने उसको अगवा करके, उसके साथ बलात्कार करके, बोरी में भर के और एक अन्य व्यक्ति के साथ सहयोग करके माचागोरा डैम में फेंक दिया है, इस संबंध में 376 और अन्य धाराओं में 302 वगैरह में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई थी, जिसमें आज न्यायालय का निर्णय आया है। इसमें मुख्य आरोपी रितेश और रोशन है, उसको 302 में मृत्युदंड एवं पास्को एक्ट की धारा 5-6 में मृत्युदंड की सजा दी गई, 2 धाराओं में मृत्युदंड एवं एक अन्य आरोपी धनपाल है, उसको 7 वर्ष का सश्रम कारावास जो है अन्य धाराओं में दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।